हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप। सो उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे। हांगकांग इंटरनेशनल T20 सीरीज का ये पांचवा मैच कवर कर रहे हैं बहरीन वर्सेस कुवैत के बीच में। और दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे क्या कुछ हमारे टीम कॉम्बिनेशन स्मॉल की रहेगी और क्या कुछ हमारे ग्रैंड लिस्ट के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। और हमने इधर दोनों ही टीमों की ओर से दोस्तों काफ़ी सारे रिसर्च एंड एनालिसिस करने पर कुछ ऐसे भी लो सिलेक्शन वाइज टर्म प्लेयर्स इस मैच में आप सभी को देखने को मिलेंगे जो स्मॉल लीग ही नहीं बल्कि आपको मिनी जीएल और ग्रैंड लीग्स भी विन कराकर देंगे। और दोस्तों साथ ही जानेंगे दोनों ही टीमों में कौन से वे प्लेयर्स रहने वाले जो आज के इस मैच में आप सभी को बैटिंग से स्कोर करके देंगे और कौन से वे प्लेयर्स रहेंगे जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही आपको बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉफिट निकाल कर दे। और साथ ही जो हमारे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के जो ऑप्शंस रहेंगे हम उनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करें। तो A to Z सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में आपको मिलेंगे, तो एंड तक देख लेना। और दोस्तों सबसे पहले जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आने वाले सारी वीडियो को नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। और वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अभी दोस्तों हम चलते हैं प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में कवर करते हैं। और भाई सबसे पहले तो आप सभी लोग देख रहे हो फैंटेसी क्रिकेट फैन का टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे जुड़ना आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो आफ्टर लाइनअप जो मेरी फाइनल टीम होती है ना, टॉस के बाद इसी चैनल पे टीम को अपडेट कर देंगे। और यहाँ पर जुड़ने के लिए किसी को भी सर्च नहीं करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जो आपको लिंक मिलेगा उसी लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली हमारे रियल टेलीग्राम पे ही जुड़ेगा। दोस्तों हमारे ही नाम से लोग स्कैम भी कर रहे हो और पैटिंग के नाम पर तो काफ़ी सारे यूजर्स के साथ फ्रॉड भी हुआ, पर जानवान एक जो मेरी फ्री टीम रहती है टॉस और बैटिंग ऑर्डर के बाद इसी चैनल पर टीम को अपडेट कर देते हैं। तो जुड़ने के लिए किसी को भी यहाँ पर सर्च करना नहीं, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा उसी के थ्रू जुड़ जाना और मैच के टाइम लास्ट के मिनटों में सिर्फ एक्टिव रहना, तो जुड़ना ज़रूर दोस्तों। और अभी हम चलते प्लेयर प्रिडिक्शन के बारे में डिटेल्स में कवर करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मैच इन्फो के बारे में। ये बहरीन वर्सेस कुवैत के बीच में हांगकांग T20 लीग का ये पाँचवा मैच है जो कि 7 बजे करीब में ये मैच स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेंगे। मिशन रोड ग्राउंड पे ये मुकाबला खेला जाएगा जिनकी एवरेज स्कोर दोस्तों 120 से 150 के बीच में स्कोर बनते हुए दिखेंगे। पिच एक तरह से बॉलिंग बैटिंग दोनों का अच्छे खास हेल्प करी, इज ए बैलेंसड ही पिच है, फिर भी थोड़ी सी स्पिन बॉलर्स का रोल ठीक ठाक देखने को मिले चीज़ें रिसेंट कल के मुकाबले में ही देखे। अब दोस्तों इनकी जो वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न है, रिसेंट के दो मैच में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने एक बार विन की और बॉल फर्स्ट करने वाली टीम भी सॉरी बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम भी एक बार विन करके आ रही। फर्स्ट टीम बैटिंग एवरेज स्कोर 144 का था जहाँ पे हाईएस्ट स्कोर स्कॉटलैंड की टीम भी 161 पर 9 विकेट, लोएस्ट स्कोर यहाँ पर स्कॉटलैंड का ही था जो कि 66 पर 7 विकेट आपको नजर आएंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाओ दोस्तों, बहुत कम लोग अभी तक जुड़े हैं क्योंकि ऑप्टर लाइनअप बैटिंग ऑर्डर के बाद अगर हमारी टीम में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन इसी टेलीग्राम पर देंगे, तो जुड़ जाना। सबसे पहले हमको बात करें टीम के प्ले स्टैटिक्स, इनकी मैच इन्फो प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखो इनकी टीम ने रिसेंट के दो मुकाबले में दोनों ही मुकाबले लॉस किए, बाकी यहाँ पर जो मीट इनकी टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग करवाते हुए देखने को मिलेंगे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। इन्होंने भी अपने T20 इंटरनेशनल 21 मुकाबले में 404 रन, 23 का औसत, रिसेंट फॉर्म 67 और 0 का स्कोर था। हालांकि दोस्तों इससे पहले कुछ हमने रिसेंट स्टैट्स मेंशन किए हुए जहां पे देखो तो बैटिंग से जो औसत है 20 या फिर 30 प्लस आपको हर एक मैचों में करके दे रहे, वैसे भी एक एवरेज फॉर्म प्लेयर्स रहेंगे। और इस मुकाबले में एज अ प्लेयर अगर आप चाहो तो इन्हें ट्रैक कर सकते हो, पर ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराते पर बैटिंग से जो फॉर्म है ना वो ठीक ठाक है, तो अभी एज अ प्लेयर यहाँ से इनको अपनी टीम में लेकर जाओ। मिनी जीएल ग्रैंड लीग की टीम्स वगैरह में आप इन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों रवीजा पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म रहे, इन्होंने भी अपने 27 मैचेस T20 इंटरनेशनल करियर में टोटल 890 रन, 35 का औसत रहा। इससे पहले कुछ हमने रिसेंट स्टैट्स मेंशन किए हुए, थोड़ी बहुत बैटिंग से औसत बेहतरीन है, फिर भी हम इन दोनों ही ओपनर्स में से किसी एक को रखेंगे और मेरे हिसाब से मीट इस मैच के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, तो अभी इनके साथ ही जाना है। एदन निशर्द की बात करते हैं तो लास्ट के मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग दोस्तों कराया नहीं, राइट हैंडर बैट्समैन ऑफ ब्रेकर बॉलर है। इन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल के 17 मैचों में 387 रन, 22 का औसत और 74 विकेट थे, पर रिसेंट के पहले मैच में इन्होंने 13 का स्कोर करके 1 विकेट 3 ओवर के बॉलिंग कराए, पर लास्ट के मैचों में सिर्फ इनका बैटिंग से ही स्कोर था। वैसे भी ये पार्ट टाइम बॉलिंग कराते, इससे पहले कुछ रिसेंट फॉर्म देखो स्टार्ट्स हमने मेंशन किए तो हर एक मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कराए। तो इस मैच के आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्लेयर दोस्तों जरूर से इनको ट्राई कीजिएगा। उस्मान गानी विकेट कीपिंग कराते 3 से 4 नंबर बैटिंग पर, रिसेंट के दो मैचों में 1 और 16 का स्कोर रहा, तो इस वजह से हम इनको नहीं रखेंगे। अली अजहर की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन 11-3 का स्कोर है दोस्तों, और आप इन्हें भी चाहो तो जीएल के टीम में ही रखो क्योंकि देखो इनको अगर हम रखते भी हैं तो हमें कुछ खास बड़ा प्रॉफिट वगैरह रहेगा नहीं, तो इनको रखने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी इनको हम ड्रॉप ही करेंगे।
असलम थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। अब देखो तो पहले ही मैच में इन्होंने 1 विकेट 4 ओवर के बॉलिंग 19 का स्कोर, 1 विकेट 23 मुकाबले में 276 रन 23 का औसत, जहाँ पे 27 विकेट है। देखोगे तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी है। सिराज खान भी दोस्तों एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्लेयर है। अगर देखो तो पहले मैचों में 1 विकेट है, उसके बाद 14 का स्कोर 0 विकेट। ये हमारे टीम के मेन बॉलिंग दोस्तों, इससे पहले कुछ हमने रिसेंट फॉर्म स्टैट्स ऐड किए हुए। अब देखोगे तो हर एक मैच में बैटिंग बॉलिंग दोनों ही करा रहे हैं। इनकी जो करियर स्टार्ट्स है ना, 23 मैचों में 201 रन 18 का औसत और 15 विकेट थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहो टीम में पिक करना तो बिल्कुल भी ट्राई करके जाना। बिलाल ताहिर या फिर सिराज खान में से किसी एक को रखेंगे। ताहिर का जो भी फॉर्म है, लास्ट के मैच में 35 का स्कोर 1 विकेट 4 ओवर का बॉलिंग था, पर इससे पहले इन्होंने 15 का स्कोर कराए थे। सैयद की बात करते दोस्तों, 2 मुकाबले खेले, पहले मैचों में 3 विकेट, दूसरे मुकाबले में 1 विकेट, 13 मुकाबले में 17 विकेट निकाल चुके। तो ये एक हमारे टीम के सेफ बॉलिंग रहेंगे जो देख के भी बॉलिंग कराते हैं। बाकी मोहम्मद पहले मुकाबले फ्लॉप रहे थे और दूसरे मैचों में 2 विकेट था। शाहरुख का भी फॉर्म लास्ट के मैचों में 2 विकेट। तो अभी हम यहाँ से शाहरुख के साथ जाएंगे, जो एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको 1 से 2 विकेट निकाल कर दे। तो अपने टीम में ज़रूर से पिक करना। बाकी इनकी बेंच प्लेयर से दोस्तों, जो भी प्लेयर खेलेंगे ना, सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली आप सभी को हमारे रियल टेलीग्राम पर टीम मिल जाएंगे। बात करते हैं जो बेस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हमारे स्मॉली की टीम्स में रहेंगे उनके बारे में। तो यहाँ से हम मिड को रखेंगे, बाकी एडन शर्ट को पिक करके जाएंगे दोस्तों। ये हमारे टीम के मेन ऑलराउंडर रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर असलम जो हमारे तीसरे ऑप्शन है, चौथे प्लेयर सुरेश खान के साथ भी जाना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी सुरेश खान या फिर हम बिलाल में से किसी एक को रखेंगे। उसके बाद जो हमारे पास पांचवे ऑप्शन सैयद है दोस्तों, और छठवें ऑप्शन के तौर पर शाहरुख के साथ जाएंगे। अब मेरी फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जो बहरीन की टीम है, रिसेंट के 2 मैचों में इनकी भी टीम दोनों ही मुकाबले हारते हुए आ रही है। तो सरफराज अली नज़र आएंगे टीम की ओर से, ओपनिंग बैटिंग बॉलिंग करवाते हैं। और लास्ट के मैचों में सिर्फ इन्होंने 8 ही रन का स्कोर किया था, पर इससे पहले 13 का स्कोर 1 विकेट, वो भी 3 ओवर के बॉलिंग। वैसे भी देखोगे तो इनकी जो करियर स्टार्ट है ना, 33 मैचों में 762 रन, जहाँ पर 24 के एवरेज और 25 विकेट भी थे। तो ये आपको बॉलिंग और बैटिंग कराकर देंगे, पर एज अ रियर केस में देखें तो इनको कैप्टन वगैरह जीएल के टीम में करना, और स्मॉलिंग में तो अभी आप इनको एज अ प्लेयर पिक करके ही जाओ। उसके बाद यहाँ पर शहबाज बाबर जो विकेट कीपिंग कराते हैं, 2 मुकाबले तो खेले पर 8 और 0 का स्कोर है, पर ये ओपनिंग बैटिंग करा रहे हैं। और इनके शो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, 10 मैचों में 126 रन 12 का एवरेज है। तो अभी एज अ प्लेयर यहाँ से इनको हम टीम में रख सकते हैं। इमरान अनवर दोस्तों बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कराते हैं, 29 का स्कोर 1 विकेट 4 ओवर के बॉलिंग, इससे पहले भी 8 रन का स्कोर 0 विकेट 2 ओवर के बॉलिंग इन्होंने भी 34 मैचों में 390 रन एज अ 20 का एवरेज। तो अपने टीम में रखना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, पर जो भी फॉर्म है ना, इस बॉलिंग से ही इनसे देखने को मिलेंगे, बैटिंग से कुछ खास आप बड़ा उम्मीद करिएगा भी मत। वैसे भी प्लेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कैप्टन वगैरह भी करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। सोहेल एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दोस्तों प्लेयर है, 65 और 19 का स्कोर था, 14 मैचों में 523 रन 65 का औसत, और कल की टीम में हमने इनको लिए भी थे। तो वैसे भी इस मुकाबले के लिए उन्होंने तो बेस्ट एक बैटिंग ऑप्शन रहेंगे, तो ज़रूर से टीम में रखना। हैदर अली बट टीम की कैप्टनसी करा रहे, पर इन्होंने बॉलिंग कराया नहीं, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि स्मॉलिंग में इनको रखना रहेगा ठीक फिलहाल। अभी तो हम यहाँ पर इनको ड्रॉप करेंगे। श्रुत्याजर टीम के हमारे मेन ऑलराउंडर, लास्ट के मैचों में 5 का स्कोर 1 विकेट, उससे पहले 7 का स्कोर 2 विकेट, राइट मीडियम बॉलिंग है, 22 मैचों में 170 रन, 14 का एवरेज और 28 विकेट थे, जहाँ पर इन्होंने बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कराए। अली डोट दोस्तों रिसेंट के 2 मुकाबले खेले, 1 विकेट 0 विकेट था। इससे पहले रिजवान बट की बात करते हैं ना, तो 0 विकेट और 2 विकेट, 14 मैचों में टोटल 23 विकेट निकाल चुके। तो मोहम्मद रिजवान बट इस मुकाबले के लिए उन्हें तो बेस्ट प्लेयर्स रहेंगे, टीम में रख सकते हैं। बाकी अब्दुल मजीद दोस्तों रिसेंट के 2 मुकाबले खेले पर 1 भी विकेट इनको मिले नहीं, 3 से 2 ओवर के बॉलिंग भी करा रहे। तो अभी यहाँ से इनको भी हम जीएल के टीम में रखते हैं। बाकी इनकी बेंच प्लेयर्स है दोस्तों, जो भी प्लेयर खेलेंगे सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली आप सभी को हमारे रियल टेलीग्राम पर टीम अपडेट कर देंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो कुछ खास आपको बड़ा चेंजेस करना नहीं, आप देखोगे तो हमने यहाँ पर बहरान के 5 प्लेयर्स और कुवैत के 6 प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं। अगर आपको जो चीज़ें यहाँ से टीम में चेंजेस करना होगा अपने रिस्क बेसिस पे करना, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ भी चेंजेस दोस्तों आपको रहना टीम में चाहिए नहीं, सेफ टीम के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब कैप्टन के लिए बात करें तो हमारे पास इमरान जावेद इस मैच के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो बॉलिंग और बैटिंग करा कर देंगे। बाकी वाइस कप्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग ताहिर को दोस्तों काफ़ी लोगों ने कैप्टन और वाइस कप्तान दे रखा है, पर एक तरह से देखो तो ये टीम के सेफ बॉलिंग ही है। तो अभी हम थोड़ी सी रिस्क यहाँ पर लेंगे, और अगर देखो तो एक तरह से यहाँ पर असलम नवाब 20 मुकाबले के लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, या फिर थोड़ी सी और रिस्क ले पाओ तो सत्य को इसे वाइस कप्तान कैप्टन कर लो, ये बॉलिंग बैटिंग करा कर देंगे। तो सेफ टीम के साथ ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, पर फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पे लास्ट के मिनटों में एक्टिव रहना और जुड़ने के लिए
वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो जुड़ना जरूर दोस्तों। अभी हम मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी नेक्स्ट मैचेस के प्रेडिक्शन के साथ।